Welcome to Dental and Ayurveda, our channel for basic dental and basic Ayurvedic sciences. Our today's topic is bleaching agent and disclosing agent, a topic of dental pharmacology. Before starting, I would like to thank you for your support. And इस चैनल के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. Bleaching agents and disclosing agents. So first let us talk about the bleaching agents. So bleaching agents क्या होते हैं? They are actually used to remove pigmentation of the teeth. So हम dental में bleaching agents use करते हैं. That is used to remove pigmentation of teeth. So what are all bleaching agents? सबसे पहले saturated solution आपको पास होता है of sodium thiosulfate, which is used to remove any superficial stains with silver iodine or permanganate. Then you know we also have perhydrol. So this is like 30% hydrogen peroxide in water. Then pyrozone is also there, 25% hydrogen peroxide in ether. Then sodium peroxide, which is 50% aqueous solution. These are all oxidizing agents. Then among all of these, sodium peroxide, jo it has a advantage of forming sodium hydroxide on losing oxygen. So chlorinated lime is a chlorine compound, so it is going to act by evolution of chlorine. So ye bhi ek bleaching agent ki tarah use hota hai. Clinically it is packed into the cavity as a dry powder. So ye dry powder ke form mein hum ise cavities mein pack karte hain. Then though liquid sodium chlorine is available, but ye isse less effective hota hai than powder. Then to bleach the dentine from a कार्बन और मर्क्यूरी आर क्लैंप अल्ट्रावायलेंट रेज आर यूज, यूवी रेज से हम ये करते हैं. देन रिमूवल ऑफ स्पेशल स्टेन्स ऑफ द टीथ, सो वीक अमोनिया और सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज यूज टू रिमूव आयोडीन स्टेन्स. ओके, सो सिल्वर स्टेन्स जो होते हैं टीथ पे, दे आर इधर ग्रे और ब्लैक, ग्रे या ब्लैक कलर के होते हैं. सो अ हाइपोक्लोराइट और आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज टू रिमूव दीज स्टेन्स. देन हाइपोक्लोराइड्स जो होते हैं, दे आर यूज टू रिमूव आयरन स्टेन्स ऑफ टीथ. सो एंड इफ एनी रेसिडुअल स्टेन्स आर स्टिल प्रेजेंट, दे कैन बी रिमूव बाय ऑक्सैलिक एसिड. अगर कोई स्टेन्स रह जाते हैं बाय चांस, तो हम उसे ऑक्सैलिक एसिड से वी कैन रिमूव दैट. देन क्लोरिनेटेड लाइम, सो क्लोरिन कंपाउंड्स आर वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट्स. सो क्लोरिनेटेड लाइम एंड एसिटिक एसिड आर ऑल्सो यूज टू रिमूव एनिलीन डाइज वेरी इजिली. वॉट आर डिस्क्लोजिंग एजेंट्स देन? सो इन ऑर्डर टू मेक द डेंटल प्लेक विजिबल, डेंटल प्लेक विजिबल करने के लिए, जो हमारे दांतों में प्लेक हो जाता है काफ़ी, उसको विजिबल करने के लिए वी यूज सर्टन डाइज. सो दीज आर कॉल्ड डिस्क्लोजिंग एजेंट्स. इन डाइज को हम डिस्क्लोजिंग एजेंट्स कहते हैं. सो फॉर दिस पर्पज, सोल्यूशन ऑफ दिस डाइज इज यूज बाय वेरियस वेज. लाइक यू नो, वी पेंट द टीथ विथ कॉटन स्वैप डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ डाई. हम कॉटन को, कॉटन स्वैप को डिप करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डायमंड, वी आर गोइंग टू पेंट द टीथ. तो उससे प्लेक जो होता है वो स्टेन हो जाता है. सो देन वी रिंस द माउथ विद द डाई. ओके, देन वी डिजॉल्व द टैबलेट कंसिस्टिंग ऑफ डाई इन सलाइवा बाय चूइंग. चूइंग से वो सलाइवा में डिजॉल्व हो जाता है वो टैबलेट आफ्टर यूजिंग डाई. ओके, फिर उसके बाद जब हम डाई यूज कर लेते हैं, वी रिंस द माउथ विद वाटर आफ्टर यूजिंग द डाई. Rinse the mouth with water. So here we talk about various disclosing agents. What all disclosing agents? First is erythromycin. So it is going to stain the plaque in red color. So disadvantage ये होता है, it may also stain some soft tissues. तो यही कुछ disadvantage भी होता है इसका, क्योंकि इससे soft tissues भी जो होते हैं, maybe वो भी stain हो जाते हैं. देन वी टॉक अबाउट फ्लोरसिन डाई. सो इट इज गोइंग टू स्टेन द प्लेक येल्लो, येल्लो कलर का हो जाता है, विच कैन बी सीन थ्रू यूवी रेस. ओके, एडवांटेज ये होता है कि इट डज नॉट स्टेन एनी सॉफ्ट टिश्यूज. तो इससे कोई सॉफ्ट टिश्यूज स्टेन नहीं होते. देन एडवांटेज आपने देख लिया. देन टू टोन डाइज इज देयर. ओके, सो सॉल्यूशन होता है एक विच इज कम्पोज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स. एंड एडवांटेज जो होता है इस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स का, ये होता है कि जो ओल्ड प्लेक्स हैं, ओल्ड प्लेक्स दे आर ब्लू इन कलर, वाइल जो न्यू प्लेक होगा दैट विल बी रेड. सो दिस न्यू प्लेक विल बी स्टेन्ड रेड. सो दिस इज द एडवांटेज फॉर टू टोन डाइज.
Thank you for watching. Do like, share and subscribe if you found the video knowledgeable.